नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। उपलब्धियों के मामले में भारत हमेशा से ही आगे रहा है, फिर वो चाहे जमीन हो या आसमान। जमीन पर फतह करते करते आज भारत चांद तक जा पहुंचा है, लेकिन ये जीत हासिल करने में एक संस्थान ऐसी है जिसका हाथ न होता तो शायद भारत आज उन चुनिंदा देशों के फहरिस्त में शामिल न हो पाता। तो चलिए शुरू से बताते हैं आपको आखिर किस तरह से भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया का सपना देखा और उसे साकार करने में किन लोगों का जज्बा लगा है और किनकी कितनी मेहनत लगी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इंडिया करता जा रहा है ग्रो, क्योंकि आगे खड़ा है इसरो। विश्व विजेता हुआ चंद्रयान, भारत का बना सम्मान। अंतरिक्ष में छाएगा भारत, हमारे पास है इसरो की महारत। इसरो फैला दुनिया जहान, भारत अपना सबसे महान। साल था 1958 का, जब अमेरिका ने अपनी स्पेस एजेंसी नासा का गठन करके सारी दुनिया को हैरान कर दिया था। उस वक्त तक सबको लगता था कि चांद तक जा पाना नामुमकिन है, लेकिन अमेरिका ने अपने इसी विजन से सबको हिला दिया और ये बता दिया कि अंतरिक्ष अब इंसानों के हाथों से दूर नहीं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर भारत देश में भी एक वो व्यक्ति थे जो दुनिया से बिल्कुल अलग सोचते थे, और आज उनकी सोच की बदौलत ही भारत अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई की। ये वो नाम है जिनकी संकल्पना ने आज पूरी दुनिया में भारत को नए कीर्तिमान हासिल करने में पूरी मदद की। इन्होंने एक सपना देखा जिसे आज हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नाम से जानते हैं। ये वही इसरो है जिसने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचाकर दुनिया का वो पहला देश बन गया जिसने ये अद्भुत कारनामा कर दिखाया। चंद्रयान 3 की सफलता तो सबने देखी, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत थी वो हम आपको बताते हैं। ये कमाल सिर्फ एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे थी 61 सालों की वो तपस्या जो आज रंग लाई है। बात है 1962 की, जब इसरो को इसरो नहीं इनको स्पार नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 1969 में 15 अगस्त को इसे इसरो नाम से फिर से गठित किया गया और शुरू हुआ भारत देश का वो सपना जो शायद किसी वक्त तक साकार करना सभी को नामुमकिन सा लगता था। इस बीच एक साल बहुत खास है, वो है 1963 का, जब भारत ने जैसे तैसे करके अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। जगह थी केरल की तिरुवनंतपुरम, जहां से पहले रॉकेट नाइक अपाचे के लॉन्च से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ। ये वही रॉकेट है जिसे साइकिल पर रखकर ले जाया गया था, जिसमें चर्च को ऑफिस बनाया गया, पशुओं के रहने की जगह को प्रयोगशाला और पादरी के रहने की जगह को वर्कशॉप में कन्वर्ट किया गया। जहां पे काम करने वाले वैज्ञानिकों में थे वो युवा वैज्ञानिक जिन्हें सभी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जानते हैं। 1963 के बाद से इसरो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसरो ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट बनाया, लेकिन इसे लॉन्च करने के लिए भारत के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो इसे अंतरिक्ष में पहुंचा सके। फिर उस समय पर साथ दिया यूएसएसआर यानी सोवियत संघ ने, और 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यूएसएसआर का साथ लेने के बाद भारत ने खुद का लॉन्चिंग व्हीकल बनाने की ठानी, और कई सालों की मेहनत और असफलताओं के बाद इसरो ने SLV-3 बनाया, जिसमें इसरो ने 1980 में अपने रोहिणी उपग्रह को लॉन्च किया, जिसके निर्देशक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। ये कहानी यहीं रुकती नहीं है। 1981 में एप्पल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए उसे बैलगाड़ी पर ले जाया गया। 1990 का दशक इसरो के लिए एक नया टर्निंग पॉइंट लेकर आता है, जब इसरो ने PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को बना लिया। और फिर साल 2008 आता है जब इसरो ने अपने सबसे आधुनिक PSLV का इस्तेमाल करके चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया, जिसने चांद पर पहुंचकर पानी की खोज की, जिसने मानव जीवन की आशाओं को अंतरिक्ष के पार देखने के लिए नई आंखें दे दी। अब इसरो को जैसे कोई रोकने वाला था ही नहीं। वक्त बीतता है और साल 2014 आता है, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया के लिए वो इतिहास बना दिया जिसे विश्व का कोई भी देश कर ही नहीं पाया था। जी हां, इसरो ने मंगलयान 1 को
सफलतापूर्वक मंगल ग्रह तक पहुंचाकर दुनिया का एकमात्र मंगल पर जाने वाला देश बन गया। अब जैसे जैसे इसरो तरक्की करता जा रहा था, सारी दुनिया भारत का लोहा मानती जा रही थी। इसरो के डाटा के अनुसार माने तो अब तक इसरो ने 23 पीएसएलवी सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। जिस तरीके से इसरो ने 1975 से लेकर 2014 तक सफलतापूर्वक अपना कार्य किया, उससे हमारे वैज्ञानिकों की डेडिकेशन समझ आती है कि उन्होंने कैसे इसरो को जमीनी स्तर पर पूरी सच्चाई के साथ उतारा। इसरो ने ऐसे कई रिकॉर्ड भी बनाए हैं जिन पर सभी को नजर डालनी चाहिए। आइए देखते हैं। इसरो ने साल 2017 में एक विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज कराया, जिसमें 104 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च किया गया था, जो अपने आप में हैरान करने वाली बात है। फिर 2019 में इसरो ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल को लॉन्च करके एक नया कीर्तिमान हासिल किया, जिसे मिशन शक्ति नाम दिया गया। इसरो अपनी एक और कला में पूरी तरह से पारंगत है, जिसे भारत की आसान भाषा में मोल भाव कहा जाता है, यानी चीजों को सस्ते में करने की कला हम हिंदुस्तानियों में कूट कूट के भरी है। जैसे कि बात करें चंद्रयान 1 मिशन की, तो इसरो ने इसे सिर्फ 390 करोड़ में कर दिखाया, जो नासा के आम मिशन बजट से 9 गुना तक कम था। इसरो का मंगलयान मिशन आज तक का सबसे सस्ता मिशन कहा जाता है, जिस पर मात्र 450 करोड़ रुपए ही खर्च हुए थे। वहीं नासा ने अपने इसी तरह के मिशन पर $671 मिलियन यानी करीब 5500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अगर सालाना बजट की बात करें तो नासा जहां $20 अरब खर्च करता है, तो वहीं इसरो सिर्फ $1.2 अरब में ही अपने सारे काम चला लेता है। साल 2023 यानी इसी साल इसरो ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चांद पर लैंड कराकर भारत की उपलब्धियों में एक पन्ना और जोड़ दिया है। लेकिन यह कारनामा यहीं नहीं रुका है। इसरो ने अब उस चुनौती को अपने हाथ में लिया है, जिस पर शायद अभी तक किसी देश ने सोचा तक नहीं था। जी हाँ, इसरो अब सूर्य की रिसर्च करने के लिए अपने आदित्य L1 के साथ तैयार है। अब देखना होगा इसरो क्या इसे भी सफलतापूर्वक लैग्रेंज पॉइंट में पहुंचा पाता है। अगर ऐसा होता है तो इसरो के साथ साथ भारत एकमात्र वो देश होगा जो सूर्य का नजदीक से अध्ययन करेगा। अब देखा जाए तो यह जो कारनामा इसरो करता जा रहा है, इसे भारत की जीत ही कहेंगे। हमारे वैज्ञानिक और हमारी भारत सरकार जिस तरह से देश को आगे ले जाने का काम कर रही है, वो बहुत ही सराहनीय है, और इससे देश हमेशा ही विश्व पटल पर गौरवान्वित महसूस करता आएगा। वो दिन दूर नहीं जब अंतरिक्ष के हर पटल पर इसरो और भारत का नाम होगा। हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।